ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। पीएससी भर्ती में कथित गड़बड़ी की जांच कर रही सीबीआई ने आज प्रदेश के कई स्थानों पर दी दबिश। राज्य मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में गुरु घासीदास तमोल पिंगला टाइगर रिजर्व बनाने का लिया गया निर्णय। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में आज राज्यपाल और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 68 विद्यार्थियों को शोध उपाधि और 48 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। और मौसम विभाग ने कल उत्तर छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राज्य लोक सेवा आयोग पीएससी की भर्ती में हुई कथित गड़बड़ी की जांच कर रही सीबीआई ने आज रायपुर, भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर और कुरुद सहित प्रदेश के कई स्थानों पर एक साथ दबिश दी। सीबीआई जिन लोगों के ठिकानों पर जांच कर रही है उनमें पूर्व आईएएस पुलिस अधिकारी और नेता शामिल हैं। सीबीआई ने आज सुबह राज्यपाल के पूर्व सचिव आईएएस अमृत खलको, पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी और कांग्रेस नेता राजेन्द्र शुक्ला के निवास पर पहुंचकर छापे की कार्रवाई शुरू की। प्रदेश में कुल 16 स्थानों पर सीबीआई की जांच अब भी चल रही है। सीबीआई की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि इस कार्रवाई से प्रदेश के युवाओं को न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में राज्य मंत्री परिषद की बैठक हुई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व बनाने का निर्णय लिया है। मंत्री परिषद द्वारा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान तथा तमोर पिंगला अभ्यारण्य क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए लगभग 2900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है। श्री साव ने बताया कि टाइगर रिजर्व के गठन से राज्य में इको पर्यटन का विकास होगा, साथ ही कोर और बफर क्षेत्र में स्थित ग्रामीणों के लिए गाइड, पर्यटक वाहन और रिसोर्ट संचालन के अलावा विभिन्न प्रकार के रोजगार सृजित होंगे। राज्यपाल रमेश डेका ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषण के दुष्प्रभावों से बचने के लिए प्रत्येक नागरिक से प्रयास करने की अपील की है। श्री डेका ने आज राजभवन में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि ऊर्जा की बचत के लिए सभी को प्रयास करना होगा। इसके अलावा प्लास्टिक प्रदूषण से बचने के लिए पानी की बोतलों का यथासंभव कम उपयोग करना चाहिए, साथ ही अपने आसपास के वातावरण में स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत सभी को पेड़ लगाना चाहिए और अन्य लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए। बैठक में राज्यपाल ने कहा कि राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए और अधिक प्रयास करना होगा। राज्यपाल ने कहा कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों में भर्ती के लिए विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया जाए। राज्यपाल ने नारायणपुर जिले में माओवादियों से लड़कर अपने पिता की जान बचाने वाली साहसी बालिका को राजभवन में बुलाकर सम्मानित करने के निर्देश दिए। दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह आज संपन्न हुआ। समारोह में राज्यपाल रमेश डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस दीक्षांत समारोह में 68 विद्यार्थियों को शोध उपाधि और 48 विद्यार्थियों को प्रावीण्य सूची में प्रथम आने पर स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। इस अवसर पर संभाग आयुक्त एसएन राठौर, आईजी आरजी गर्ग, कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला, विश्वविद्यालय की कुलपति अरुणा पल्टा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित सभी कृषि प्रदर्शन प्रक्षेत्रों में अब भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तय कृषि पद्धतियों का उपयोग किया जाएगा। इस संबंध में कृषि विश्वविद्यालय और भारतीय मानक ब्यूरो के बीच एक अनुबंध किया गया है। अनुबंध पत्र पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ गिरीश चंदेल और भारतीय मानक ब्यूरो के उप महानिदेशक दिव्यंदु चक्रवर्ती ने हस्ताक्षर किए। अनुबंध के तहत भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा कृषि विश्वविद्यालय में अनुसंधान करने वाले शोधार्थियों को मानक अनुसंधान क्रियाओं का प्रयोग करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने बताया है कि रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय के सहायता केंद्र में राज्य सरकार के मंत्री और संगठन पदाधिकारी आमजनों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। कल 8 अगस्त को वित्त मंत्री ओपी चौधरी दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक लोगों की समस्याएं सुनेंगे। वहीं 9 अगस्त को महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जन समस्याओं का निराकरण करने प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगी।
और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नई शिक्षा नीति के संबंध में पालकों को जानकारी देने के उद्देश्य से राज्य में मेगा पालक शिक्षक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने बताया कि अब तक 5,500 संकुलों में पालक शिक्षकों की मीटिंग हो चुकी है। इसमें 7.5 लाख से अधिक पालक शिक्षक शामिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पढ़ाई लिखाई और स्कूली गतिविधियों में शिक्षकों के साथ पालकों की सहभागिता सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि चालू शैक्षणिक सत्र में और अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम के बाद फिर पालक शिक्षक बैठक आयोजित करने की योजना है। पालक शिक्षक मीटिंग के बाद एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत स्कूलों में 2 लाख से अधिक पौधों का रोपण पालक और शिक्षकों द्वारा किया गया। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद जांजगीर चांपा जिले में एसडीएम ममता यादव के नेतृत्व में कोचिंग संस्थानों की जांच की गई। जांच टीम में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सीएमओ और टीआई शामिल थे। जांच के दौरान बेसमेंट पर संचालित एक कोचिंग सेंटर को सील किया गया। एसडीएम ने कहा कि कोचिंग सेंटरों की लगातार जांच की जाएगी। जांजगीर के दौरे पर पहुंचे श्रम और उद्योग मंत्री लखनलाल दिवांगन ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश में 11 अगस्त से शुरू होने वाली तिरंगा यात्रा की जानकारी दी। मीडिया से बात करते हुए श्री दिवांगन ने कहा कि इस यात्रा के तहत हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने कल नई दिल्ली में केन्द्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव से मुलाकात की। बैठक में श्री नेताम ने केन्द्रीय मंत्री को अवगत कराया कि सरगुजा संभाग के आसपास हाथियों की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में फसलें बर्बाद हो रही हैं और स्थानीय निवासियों की सुरक्षा पर भी खतरा बना रहता है। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने हाथी विचरण वाले गांवों में सोलर लाइट की सुविधा प्रदान करने का आग्रह किया, साथ ही वर्टिकल सोलर फेंस स्थापित करने की मांग की। श्री नेताम ने केन्द्रीय मंत्री से हाथी मित्र दलों के लिए आर्थिक सहायता दिए जाने का भी आग्रह किया। इस पर केन्द्रीय मंत्री ने श्री नेताम को उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। कोरबा जिले में मौजूद हाथियों के दल से बिछड़कर एक हाथी जांजगीर चांपा जिले के छाता जंगल में पहुंच गया है। इसके बाद स्थानीय लोगों में दहशत है। छाता जंगल में हाथी की आमद के बाद वन अमला मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी। वन अमला हाथी के विचरण पर लगातार निगरानी रख रहा है। इलाके में हाथी के विचरण को देखते हुए आसपास क्षेत्र के गांवों की बिजली बंद कर दी गई है ताकि हाथी को करंट से कोई नुकसान न हो। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में कल अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। भारी वर्षा का क्षेत्र मुख्य रूप से उत्तर छत्तीसगढ़ रहेगा। मौसम विभाग ने 9 अगस्त के बाद प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना जताई है। आने वाले 24 घंटों के लिए मौसम विभाग ने बीजापुर जिले के लिए रेड अलर्ट और कोरबा, बालोद, राजनांदगांव, दंतेवाड़ा सहित 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बिलासपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार सहित 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच जांजगीर चांपा में कल से हो रही लगातार बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। जमड़ी नाले में पानी 4 फीट ऊपर से बह रहा है, जिससे इस मार्ग पर आवागमन बाधित है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा और कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को प्रभारी नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रायपुर स्थित निवास कार्यालय में कल 8 अगस्त को सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बीटेक कृषि अभियांत्रिकी और बीटेक खाद्य प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया सहित सभी जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने इसी शिक्षा सत्र में भगवद गीता पर 2 वर्षीय मास्टर डिग्री का कोर्स शुरू किया है। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 अगस्त निर्धारित की गई है। बलौदाबाजार की ग्राम पंचायत मोहतरा की सरपंच ईश्वरी साहू को 14वें और 15वें वित्त की राशि का दुरूपयोग करने की शिकायत पर हटा दिया गया है। ईश्वरी साहू पर यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के तहत की गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रायगढ़ के पटवारी हरिशंकर राठिया को कब्जा प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के तहत 19 अगस्त तक 72 ट्रेनों को रद्द किए जाने से नाराज गौरेला पिंडरा मरवाही में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उत्तम वासुदेव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्टेशन प्रबंधक और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पीएससी भर्ती में कथित गड़बड़ी की जांच कर रही सीबीआई ने आज प्रदेश के कई स्थानों पर दी दबिश। राज्य मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व बनाने का लिया गया निर्णय।
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में आज राज्यपाल और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 68 विद्यार्थियों को शोध उपाधि और 48 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। और मौसम विभाग ने कल उत्तर छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की दी चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।